अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हैं। इतने दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी स्टडी का रोस्ट हो रहा था, तो जाहिर सी बात है आज मैं आ गई हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं गवर्नर हाउस AI की क्लासेस के लिए, जो कि काफ़ी टाइम पहले शुरू हो चुकी हैं, मगर मैं व्लॉग बना नहीं पा रही थी इस चीज़ का। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग व्लॉग बनाएं पूरा, कि वहाँ पे होता क्या है, क्या करवा रहे होते हैं, वाकई वो अरेंजमेंट है कि नहीं है जिस तरह उन्होंने बताया हुआ है, ओवरऑल सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो ये रास्ता हमारे इंटर होने का, जैसे ही हम लोग यहाँ से इंटर होते हैं तो पहले तो हमारे IT चेक होते हैं, उस पर अटेंडेंस लगती है, देन हम लोग क्लास लेते हैं। सर हमजा जिसके लिए हर अच्छे जो हमें टीच कर रहे हो, ये भी सर हमजा पूरा एक एक चीज़ बता रहे होते हैं, तो हमें अच्छे टीचर मिले इस बैच में, मतलब उसके बाद हम लोग काफ़ी 3 घंटे हमें वहाँ पर तकरीबन बैठना होता है। फिर यहाँ पर पानी का अरेंजमेंट है, मगर वो कि हमें बाहर जाके, और कैंटीन वाला कोई सीन नहीं है। हमने सुना था कि कैंटीन होगी यहाँ पर, बट कैंटीन तो कोई सीन नहीं है, कैंटीन नहीं है, हमें खुद लाना होता है। अगर कुछ ला रहे हो बिस्किट वगैरह कुछ भी, तो वो आके बैठ के आराम से खा लो वहीं पर। क्वेश्चंस आंसर्स भी किए जाते हैं यहाँ पर, और कोई स्कीम होने वाला है बहुत जल्द, कोई इसकी तैयारी हमारी कितनी होगी वो बाद में पता चलेगा, उसके हिसाब से फिर हमें रिजल्ट जो होगा वो ऑनलाइन ही दिया जाएगा, एंड देन उसके हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन होगा वापस से, कि कौन से बच्चे यहाँ पे रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे। ये एक क्विज पर डिपेंड नहीं करता, 3-4 क्विजेस लिए जाएंगे, उसके हिसाब से ओवरऑल परसेंटेज बनाई जाएगी। जो बच्चा पास हुआ तो सही है, जो नहीं हुआ उसको निकाल देंगे, और उसकी जगह पे दूसरे स्टूडेंट्स को लाया जा सकता है। ऑनलाइन क्लासेस जिनका सिलेक्शन हुआ था ऑनलाइन के लिए, उनको लाया जा सकता है। या हम लोग 2-3 घंटे तक सिर्फ सर की बात सुन रहे थे, और साथ साथ इनकी जो कंप्यूटर का अरेंजमेंट है PC वहाँ पर कुछ अवेलेबल हैं, मतलब ये तो तकरीबन जिन्होंने उन्होंने बताया जितने बताया था उतने ही है। जो पहले आया उसको PC वहाँ का मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वो अपने अपने लैपटॉप्स लाएँ, सब वो वाला सीन है, तो हम अपना लैपटॉप ही लेकर गए थे। अब मैंने एक प्यारी सी कैट देखी, उसको मैं बिस्किट खा रही थी, तो उसको भी बिस्किट खाने थे, मैंने उसको बिस्किट दे दिए अपने, और ये फिर उसके बाद मुसलसल मेरे पास ही बैठी रही, वहाँ से हिली नहीं, मैंने कहा यार मेरी बिस्किट खत्म हो चुके हैं, बट उसको हमने बिस्किट खिलाए। और इसकी 2 प्यारी सी क्यूट से बेबी भी हैं वाइट कलर के, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये देखें मेरे पास काफ़ी टाइम तक बिस्किट खा भी ले चुके हैं, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन वगैरह का काम भी हो रहा था, कि इंट्रोडक्शन देना कॉन्फिडेंस आएगा खत्म पूरा उधर रखा हुआ, कुछ दे दो खाने के लिए, मेरे वास्ते में यार वो खत्म हो चुका, और हम अब बाहर जाने लगे हैं। तो गया हमारा ओ क्योंकि 3 घंटे हो गए पूरे, मज़ा आया ओवरऑल, बहुत अच्छा था उनका सीन, और हमने एंजॉय किया स्टडी। सर हमजा बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। खैर अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरे न्यू व्लॉग आप तक पहुँचते रहें, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं किस तरीके से बेहतर कर सकती हूँ अपने व्लॉग्स को। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह मैं अपने व्लॉग्स को बेहतर कर सकती हूँ, मुझे आइडियाज़ दें, और किस टाइप के मुझे व्लॉग्स बनाने चाहिए वो भी मुझे बताएं। आई होप कि ये आपको व्लॉग अच्छी लगी होगी। तो ये गवर्नर हाउस के अंदर का नज़ारा, जहाँ से हम लोग आते हैं फर्स्ट गेट से, तो हमें पहले हम दूसरे गेट से जाते थे, आई थिंक गेट नंबर 5 था, अब गेट नंबर 1 से हम लोग इंटर होते हैं, और वहीं से हम अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ है कि बाहर भी बच्चे यहीं से जाएंगे और अंदर भी आएंगे। तो ये वाला सीन है, यहाँ पर काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स आते हैं, और काफ़ी लोगों ने अपने असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से जैसे ही निकलेंगे तो कुछ खा पी लें, बट
आसपास कोई स्टोर वगैरह नहीं है गवर्नर हाउस के, तो हमें मजबूरन कहीं और ही जाने का था कि हम लोग अगर कुछ खा लें, कोई रास्ते में कोई चीज़ मिल जाए कुछ खाने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर आसपास कोई स्टोर नहीं, तो हम वेट कर रहे थे बस के आने का, क्योंकि हमें बस में जाना था और हमारी जो बस थी वो आ ही नहीं रही थी जिसमें हमें जाना था। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद यहाँ से जाने हमें 1000 ईयर लेटर वो वाला सीन था। तो अभी तक हमारी कोई बस का सीन नहीं है, हम लोग बस वेट ही किए जा रहे हैं, लोगों को आते हुए जाते हुए जज ही कर रहे हैं शायद, और वो हमें जज कह रहे होंगे, हम उनको जज कह रहे हैं। तो ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। ओ माय गॉड, आ गई, रोना आ रहा है, खुशी के आंसू जी। तो हम लोग बैठ के हैं, अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।